नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। मुनव्वर फारूकी, वो कहते हैं ना दोस्तों कि वो जो ग्रेव से निकले हुए भूत आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। पास्ट की जो चीजें हैं वो बार बार आपको हॉन्ट करती है। चाहे मुनव्वर ने इतने लोगों का दिल जीता हो, चाहे मुनव्वर ने माफी क्यों ना मांग ली हो, चाहे मुनव्वर ने लॉकअप की चमचमाती ट्रॉफी क्यों ना जीत ली हो, लेकिन पास्ट में जो मुनव्वर ने कमेंट किया था उसकी सजा मुनव्वर को मिल रही है। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि भारी नुकसान हुआ है। मैं बात कर रहा हूं यहां पे डोंगरी टू नोवेयर शो की। आप लोग बोल रहे होंगे कि हैदराबाद में शो तो हुआ है राहुल भाई, तो इसमें भारी नुकसान क्या? दोस्तों, हैदराबाद में पुलिस सिक्योरिटी के तहत, जी हाँ, बहुत हैवी, इनफैक्ट स्टेज पे भी मौजूद थी। अगर आपने वो जो माइक ड्रॉप वाला उसका मोमेंट देखा है, वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है बाय द वे, वो पर्टिकुलर वीडियो, तो उसमें ही मुनव्वर फारूकी के पीछे आप अगर देखेंगे तो पुलिस भरी पड़ी एकदम, और वो हैदराबाद की पुलिस है जो कि मुनव्वर को प्रॉपर प्रोटेक्शन दे रही थी। अब आप लोगों को बता दूं तो बैंगलोर का शो कैंसिल हुआ, जिसकी वजह से मुनव्वर को लाखों का नुकसान हो गया। क्या आप जानते हैं, एक शो की जो टिकट है वो लगभग 550 से 550 तक होती है, और जो कैपेसिटी है इट्स अनलिमिटेड। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को बता दूं तो बैंगलोर का शो कैंसिल हुआ और मुनव्वर फारूकी को हुआ लाखों का नुकसान। लेकिन इस पर एक सवाल आता है कि मुनव्वर का ये जो शो कैंसिल हुआ ये क्यों हुआ? मुनव्वर ने माफी भी तो मांग ली थी, तो अभी तक क्या सरकार ने माफ नहीं किया? क्योंकि बैंगलोर, ऑब्वियसली बात है, बैंगलोर की जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उनकी तरफ से ही ये बैन लग रहा होगा, राइट? तो यहां पर यही है, क्वेश्चन आता है और दिमाग में भी आता है, आप लोगों के आता है कि नहीं बताइएगा मुझे जरूर। तो क्या वो जो उसने माफी मांगी थी तो वो कोई कारगर सिद्ध नहीं हुई? लॉकअप में भी उसने अपने आप को निर्दोष प्रूव करा, राइट? ट्रॉफी जीती चमचमाती, तो उसका क्या? कमेंट सेक्शन में जाएं, जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें टेली खजाना।